अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हेलो चिल्ड्रेन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल माइट बी अल्हम्दुलिल्लाह। टुडे वी विल कंटिन्यू मैथ्स चैप्टर 9, शेप्स, स्पेस एंड पैटर्न्स। आवर टॉपिक इज सर्कल, पेज नंबर 149 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। व्हाट शेप डज अ व्हील, अ प्लेट और अ कॉइन रिमाइंड यू ऑफ? ऑल दिस ऑब्जेक्ट रिमाइंड अस of the shapes of a circle। हम plate, wheel या coin को देखेंगे तो हमें कौन सा shape याद आएगा बच्चों? Circle का। So, naming the part of a circle। Take a cup or a bangle and draw around it। आप कोई cup लो या एक bangle लो, उससे आप एक circle draw कर सकते हो। You have drawn a circle। A circle is a simple closed curve। ये आपने एक circle बनाया, वो circle कौन सा है? Simple closed curve। Take a string and wind it around the circle। The string gives you the length of the circle। अब आपको एक string लेनी है और उसके around उसको आपको wind करनी है और फिर वो क्या देगा आपको? Circle की length। The length of the circle is called its circumferences। So the length of the circle यानी circle की जो length है उसे हम circumferences बोलेंगे। Okay? Now take a scissor and cut off the circle you have just drawn, fold it exactly in half, open it। आपने जो सर्कल बनाया है उसका आप उसको आप कट कर दो या तो आप फोल्ड कर दो और फिर उसको ओपन करो। Do you see a line across the circle? That is the diameter of the circle। अगर हम एक पेज को फोल्ड करते हैं, सर्कल हमने पहले एक सर्कल ड्रॉ किया, फिर वो सर्कल को कट किया और फिर हमने वो जो सर्कल वाला जो पार्ट है उसे हमने बेंड किया, तो वो क्या बन जाएगा? हाफ सर्कल बन जाएगा। और जो हाफ सर्कल है फिर आप उसको ओपन करोगे, मतलब जो आपने सर्कल को बेंड किया था उसको आप ओपन करोगे तो आपको बीच में एक लाइन मिलेगी और वो लाइन को हम बोलेंगे डायामीटर। व्हाट वी विल से? डायामीटर। ड्रॉ अ लाइन ऑन द फोल्ड विथ अ ब्लू पेंसिल, द डायामीटर goes across the widest part of the circle। अब डायामीटर आपने ड्रॉ करना है ब्लू पेंसिल से या ब्लू पेन से और फिर आपको क्या दिखाएगा? वो widest part जो होगा सर्कल का वो आपको बताएगा। Now fold the circle again but exactly in two quarters as shown। अब आपको क्या करना है, जो हाफ सर्कल आपने जो बनाया था, सेमी सर्कल जो हुआ था आपका, आपको उसको फोल्ड करना है और उसका भी एक और पार्ट फोल्ड करना है, तो हमें ये पार्ट आप मिलेगा और ये पार्ट को हम बोलेंगे रेडियस। व्हाट वी विल से? रेडियस। हमें वहाँ पे लाइन मिलेगी, पहले हमें आधे की लाइन मिलेगी और फिर एक और लाइन मिलेगी, तो हम उसको बोलेंगे रेडियस। ड्रॉ लाइन ऑन द फोल्ड विथ रेड पेंसिल, आप रेडियस का जो पार्ट होगा उसको आप रेड पेंसिल या पेंसिल से लाइन ड्रॉ करोगे। लुक एट द पॉइंट वेयर द डायमीटर एंड द रेडियस मीट। अब आपको देखना है कि जो ये लाइन है और ये वाली जो लाइन है उसका जो मिड पॉइंट होगा उसे हम सेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेंटर। वी नेम अ सर्कल बाय इट्स सेंटर, मार्क द सेंटर विद द रेड डॉट। अब आपको उसको रेड डॉट से मार्क करना है। यू कैन सी दैट द डायमीटर गोज थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द रेडियस रन्स बिटवीन द सर्कल एंड इट्स सेंटर। अब क्या करना है, जो डायमीटर है वो सेंटर से भी जाएगा, पास आउट होगा और रेडियस के बीच में भी वो पास आउट होगा, इसलिए वो सेंटर के साथ मिलेगा। देखो यहाँ पे फोर पार्ट्स हुआ, अब एक ही सर्कल के हमारे कितने पार्ट्स हुए? फोर पार्ट्स हुए। बीच में क्या है? सेंटर है और हमने जो पहला हिस्सा किया उसका ब्लू लाइन वाला वो डायमीटर है और फिर हमने वापस फोल्ड करके रेड पार्ट वाला जो हमें मिला वो रेडियस है। ओके, सो लेट अस लेबल ऑल द पार्ट ऑफ वन सर्कल। सो हमने सेंटर को दिया नेम ओ, फिर जो डायामीटर है क्यू आर और जो हमें रेडियस मिला उसको हमने दिया पी। सो ओ सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ पी, ओ क्यू, ओ आर इज अ रेडियस एंड क्यू आर इज अ डायामीटर। नाउ हाउ टू ड्रॉ अ सर्कल विथ कंपास। देखो ये तो हमने सेकेंड में भी कंपास का यूज़ किया है और थर्ड में भी किया है, तो ये आपको आता ही है, इसलिए मैं ये नहीं समझाऊंगी क्योंकि वी नो हाउ टू ड्रॉ अ सर्कल यूजिंग कंपास। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द टू आर्म्स फॉर्म्स द रेडियस ऑफ द सर्कल।
जो दो आर्म्स के बीच में जो जगह रहती है, डिस्टेंस रहता है, उसे हम रेडियस ऑफ द सर्कल कहेंगे। प्रैक्टिस ड्राइंग अ फ्यू सर्कल ऑफ डिफरेंट साइज। आपको यहाँ पे क्या करना है, एक कैट बनानी है। एक बड़ा सा सर्कल लेना है पहले, और फिर एक छोटू सा सर्कल लेना है, और उससे फिर आपको उसके लेग्स, उसकी आइज, उसका नोज, उसका माउथ, और आपको उसके जो ईयर्स है वो ड्रॉ करने हैं, और टेल भी। ओके, नाउ टू, कीप इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द रेडियस। आपको एक कंपस लेना है, उससे एक छोटा सा पहले सर्कल बनाना है, वही रेडियस पे, वही सेंटर पे। आपको क्या करना है, आपको सेंटर पॉइंट जो है वो चेंज नहीं करना है, रेडियस जो है वो आपको इंक्रीज करते रहना है। यहाँ पे देखो सर्कल है ही छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, और फिर उससे बड़ा। ओके, यहाँ पे एक आपको एक्टिविटी दी गई है, ड्रॉ ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन। पहले आपको एक पेपर और पेंसिल लेनी है, और एक कंपास लेना है, फिर आपको सेंटर पॉइंट मिलाना है, और फिर एक सर्कल ड्रॉ करना है। फिर आपको क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करना है, कोई भी एक पॉइंट ले सकते हो। देखो यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिया है, और आप उससे आप वहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर सकते हो। जो कर्व लाइन होती है सर्कल में, उसे हम आर्क बोलेंगे, ACARC आर्क। ओके, फिर आपको स्विंग करना है ये आर्क से दूसरे आर्क तक, ये पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सर्कल से ले जाना है, और लास्ट में आपको ऐसी आपको डिज़ाइन मिलेगी। ये आपको घर पे ट्राई करनी है। ओके, नाउ ट्राई दिस आउट। यू ऑलरेडी नो हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल ड्रॉन ऑन अ पीस ऑफ पेपर बाय फोल्डिंग एज वी डिड ऑन पेज नंबर 149। हमने पहले ही किया है, जो मैंने बोला था कि रेड लाइन्स, रेड पेन से और ब्लू पेन से हमें डायमीटर मिला, रेडियस मिला, और उसका जो क्वाड्रिलेटरल पार्ट था, मतलब क्वार्टर पार्ट था, वो भी हमें मिल गया। ओके, हाउ वुड यू फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल दैट इज नॉट कट आउट और दैट कैन नॉट बी फोल्डेड। यू कैन यूज़ ओनली अ रूलर एंड अ पेंसिल टू डू सो। अब आप क्या करोगे, तो टू फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल फॉलो दिस स्टेप। अगर आपको पता नहीं है कि ये जो सर्कल है या ये ऑब्जेक्ट है उसका कोई सेंटर नहीं है, तो आप उसको क्या करोगे, आप उसको फोल्ड भी नहीं कर सकते और कट भी नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे। सो स्टेप वन, टेयर ऑफ अ कॉर्नर ऑफ अ शीट ऑफ अ पेपर। आपको एक शीट लेनी है और उसका जो कॉर्नर है उसको टेयर कर देना है। स्टेप टू, प्लेस इट ऑन द सर्कल सच दैट द कॉर्नर ऑफ द पेपर टचेज द सर्कल एज शोन इन फिगर। यहाँ पे देखो आपको स्टेप टू में दिया है कि एक सर्कल में आप वो जो पेपर आपने टेयर किया है उसको आप रख दो। देन मार्क ऑफ द पॉइंट वेयर द पेपर क्रॉसेस द सर्कल। अब क्या करना है आपको, आपको देखना है कि सर्कल के बाहर जो पेपर का जो पार्ट जाता है उसको आपको पेंसिल से मार्क करना है। नाउ स्टेप फोर, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन द टू पॉइंट्स विद अ रूलर एंड मेजर टू फाइंड द एग्जैक्ट मिड पॉइंट ऑफ द लाइन दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब आपको क्या करना है, वो ही जो पेपर है उससे ही आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, और उससे ही आपको एग्जैक्ट उसका मिड पॉइंट भी मिल जाएगा और सेंटर ऑफ द सर्कल भी मिल जाएगा। आपको मिड पॉइंट लाइन का मिलेगा और सर्कल का सेंटर मिल जाएगा। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस एंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। मेजर द रेडियस एंड डायमीटर ऑफ दिस पेयर्स टू आइडेंटिकल सर्कल्स। देखो यहाँ पे ए में सर्कल दिया है और उसका रेडियस हमें फाइंड करना है, तो अगर रेडियस होगा 4, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या होगा, 8। अगर रेडियस आपको होगा 4, तो आपको 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या होगा 16। और अगर आपको रेडियस होगा 10, तो डायमीटर भी 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा, तो 20। सो देखो, सो सर्कल विथ रेडियस 4 हैज द डायमीटर 10। अभी सर्कल का जो रेडियस 4 है तो उसका डायमीटर क्या हो जाएगा, 8, क्योंकि हमें रेडियस जब फाइंड करना हो तो उसे हमें मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है, जो भी डिजिट हो। आपको अगर 11 दिया गया हो तो आपको 11 मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है, तो उसका डायमीटर हमें मिलेगा 22। सो एंड द सर्कल विथ डायमीटर
मतलब आपको पहले डायामीटर दिया गया हो और आपको रेडियस फाइंड करना हो तो आपको डिवाइडेड बाय 2 यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है 12 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, नाउ एक्सरसाइज 9B। क्वेश्चन 1, रेफर टू द सर्कल अलोंग साइड एंड आंसर। यहाँ पे ये आपको सर्कल दिया गया है और उसका हमें आंसर्स लिखने हैं। नेम द सेंटर। अभी नेम, सेंटर का नेम क्या है? पहले तो हम सेंटर को रेडियस बोलेंगे और हमने नाम दिया है यहाँ पे ओ। नेम द टू डायामीटर्स। अब डायामीटर्स को हमें नेम देने हैं, यानी MN और PR। नेम फोर रेडी। जब बहुत ज़्यादा रेडियस हो आपके साथ, एक से ज़्यादा यानी प्लूरल फॉर्म में आपके पास रेडियस हो तो आप उसे रेडी बोल सकते हैं। सो रेडी आर OP, OR, OQ, OS। ओके, इज MN द डायमीटर ऑफ द सर्कल। MN क्या डायमीटर है सर्कल के? नो। नाउ क्वेश्चन 2, राइट डाउन द रेडियस ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे एक बड़ा सा मस्त पिज्ज़ा दिया है। किसको किसको पसंद है? सबको। वेरी गुड। तो अभी पिज्ज़ा है वो 34 सेंटीमीटर डायमीटर का है, तो अभी हमें डायमीटर फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय 2। सो 34 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। 34 को आप 2 के साथ डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 17। नाउ बी, 20 सेंटीमीटर का ये 20 सेंटीमीटर डायमीटर वाला ये पेन है। तो अब पेन की साइज़ अगर हमें डायमीटर में फाइंड करनी है तो क्या करेंगे हम? 20 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक कॉइन दिया है, 5 रुपीज़ कॉइन, और उसका डायमीटर है 2 सेंटीमीटर। सो 2 डिवाइडेड बाय 2, हमें तो 2 के साथ डिवाइड करना ही है, तो उसका डायमीटर क्या होगा? 1। देखो सिंपल वे क्या है कि हमें अगर डायमीटर फाइंड करना है तो हम उसको डिवाइड करेंगे तो उसका हाफ पार्ट हो जाएगा, और अगर हमें रेडियस फाइंड, डायमीटर फाइंड करना है और रेडियस हमें डायमीटर दिया गया है, सॉरी हमें रेडियस दिया गया है और हमें डायमीटर फाइंड करना है तो उसका डबल हो जाएगा, 1 का 2, 30 का 60। वैसे देखो यहाँ पे एक बटन दिया गया है 1 सेंटीमीटर रेडियस वाला, तो उसका डायमीटर क्या होगा? 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक क्लॉक दी गई है और वहाँ पे लिखा है 30 सेंटीमीटर रेडियस। हमें रेडियस दिया है, हमें डायमीटर फाइंड करना है, तो रेडियस 30 है तो उसका डायमीटर कितना होगा? मल्टीप्लाइड बाई 2। सो 30 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 60। अब यहाँ पे हमें दिया है 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक वायर का पूरा एक बंच है और हम मतलब एक सर्कल है, तो वो उसकी जो साइज़ क्या है? 3 सेंटीमीटर रेडियस है उसका, तो हमें डायमीटर क्या मिलेगा? 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन 4, वो मैं आपको आगे की स्लाइड में समझाती हूँ। गिव द रेडियस ऑफ द सर्कल विद द फॉलोइंग डायामीटर्स। अब हमें क्या करना है? डायमीटर दिया है, हमें रेडियस फाइंड करना है, तो हमें रेडियस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय 2। सो ए में है 22 सेंटीमीटर, सो 22 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। नाउ बी, 40 सेंटीमीटर, तो 40 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। और जो सी से लेकर जे तक जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अपने आप से करने हैं। नाउ क्वेश्चन 5, गिव द डायमीटर ऑफ द सर्कल्स विद द फॉलोइंग रेडी। देखो मैंने आपको पहले ही बोला कि एक से ज़्यादा हो तो हम रेडी भी बोल सकते हैं रेडियस को। ओके, सो ए 9 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है? डायमीटर फाइंड करना है, तो डायमीटर फाइंड करने के लिए इनटू 2 होगा, सो 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। नंबर बी 11 सेंटीमीटर, सो 11 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। अब हम थोड़ा वापस पीछे जाएंगे और हम इसमें देखेंगे क्वेश्चन 6, से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ऑल द रेडी ऑफ द पर्टिकुलर सर्कल्स आर इक्वल ऑफ लेंथ, मतलब उसकी जो लेंथ होती है रेडियस की वो इक्वल होती है। सो आंसर इज ट्रू। द डायमीटर इज हाफ द रेडियस। डायमीटर हाफ द रेडियस होता है? नो, इट इज डबल द रेडियस, सो आंसर विल बी फॉल्स। द डायमीटर गोज थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल।
हाँ, डायामीटर है वो सर्कल के पास से पास आउट होता है, इसलिए आंसर होगा ट्रू। देखो यहाँ पे ये जो है वो हमें बता रहा है कि प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस इज रेडी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्लूरल फॉर्म जो हो रेडियस का उसे हम रेडी बोलेंगे। नाउ अब हम आगे की स्लाइड्स देखेंगे और उसमें है रिफ्लेक्शन। केस ए हैज़ बीन फ्लिप्ड ओवर टू मेक की बी। अब मुझे की ए है और की बी बनानी है तो उसको हमने फ्लिप कर दिया है, तो की बी क्या है? की बी इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ की ए। ओके, आपने यहाँ पे पिक्चर में देखा है, देखो ये वाला यहाँ पे भी है कि द टू बर्ड्स इन द कलमकारी पिक्चर्स फ्रॉम साउथ इंडिया शोन्स हियर आर स्टैंडिंग इन रिफ्लेक्टेड पोजिशन टू ईच अदर। अगर मैं आईने के सामने खड़ी रहूं तो मुझे कौन दिखेगा? मैं ही दिखूंगी, तो वो क्या हुआ? मेरा रिफ्लेक्शन हुआ। तो यहाँ पे जो पिक्चर है कलमकारी, मतलब ये एक आर्ट ऑफ स्टिचिंग है, और उसमें जो पिक्चर दिया है वो मतलब स्टिच किया है पूरा, पर उसमें जो पिक्चर दिया है वहाँ पे एक बर्ड है। ओके, और वो बर्ड के सामने एग्जैक्ट वैसा ही बर्ड है, तो वो क्या है? रिफ्लेक्शन पार्ट है वो बर्ड का। ओके, अ रिफ्लेक्शन इज लाइक अ मिरर इमेज। आप अगर मिरर में आप देखने जाओगे तो आपको सेम टू सेम ही मतलब उसका रिफ्लेक्शन ही मिलेगा। देखो यहाँ पे ट्राइंगल का रिफ्लेक्शन दिया है, यहाँ पे पी का रिफ्लेक्शन दिया है, यहाँ पे थ्री का रिफ्लेक्शन दिया है। सो मेक ओन योर रिफ्लेक्टेड शेप्स। आप कोई भी शेप्स बनाओ अपने आप से और देखो कि आपके शेप्स का रिफ्लेक्शन कैसे आपको मिलता है। नाउ सिमेट्री। सिमेट्री तो आपका फेवरेट टॉपिक है क्योंकि हमने थर्ड में भी बहुत अच्छी तरह से किया था बच्चों। सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ कथकली डांसर्स फेस फ्रॉम केरला इन सिमेट्रिकल शेप, यानी पिक्चर्स। वन हाफ ऑफ द पिक्चर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द अदर हाफ। एक जो उसका ये सिमेट्री, यानी क्या करना है, जो भी शेप हो उसका हमें हाफ पार्ट करना है। तो ये जो कथकली डांसर है फ्रॉम केरला उसका हम हाफ पार्ट बनाएंगे। ओके, तो हमें एक हाफ पार्ट दिया है और दूसरा हाफ पार्ट हमने किया है तो हमें रिफ्लेक्शन ही मिलेगा, तो उसका हाफ पार्ट हुआ तो उसे हम सिमेट्री बोल सकते हैं। मेक अ सिमेट्रिकल शेप विद वन लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी आपको क्या करना है, सिमेट्रिकल शेप करना हो तो उसमें एक ही लाइन, या आप हॉरिजॉन्टल यूज़ कर सकते हो या तो आप उसे वर्टिकल यूज़ कर सकते हो। ओके, मेक अ सिमेट्रिकल शेप विथ मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री। फिर आप अगर सिमेट्रिकल कोई भी डिज़ाइन हो आपके पास, पेपर हो, और आप उसे पहले एक सिमेट्री, मतलब देखो आप यहाँ पे एक स्क्वायर लिया है और स्क्वायर के बीच में आपने एक पार्ट किया है और उसको आप अभी फोल्ड करते हो तो वो पार्ट ऐसा हो जाएगा, और फिर वापस आप वर्टिकली में उसको आप ऐसे लाइन देते हो तो ये पार्ट छोटा हो जाएगा एकदम, और फिर आप इसमें कोई भी कट एंड फोल्ड कर सकते हो। ओके, सो सिमेट्री पार्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल पार्ट। ओके चिल्ड्रेन, नाउ एक्सरसाइज सी, 9C, पुट अ टिक मार्क ऑन दोज फिगर्स दैट आर रिफ्लेक्शंस ऑफ ईच अदर। यहाँ पे हमें दिया है बी, तो बी का रिफ्लेक्शन सही है, यस, सो वी विल टिक बी, मतलब ए हमें टिक करना है। नाउ बी, अगर हम एल को मिरर में देखेंगे तो हमें उसका रिफ्लेक्शन मिलेगा, तो ये रॉन्ग है। सी का रिफ्लेक्शन राइट है, दोनों में अगर मैंने आर देखा, आर मैंने रिफ्लेक्ट किया, मतलब मैंने मिरर में देखा तो आर का रिफ्लेक्शन उल्टा होगा, सो यहाँ पे भी ये नहीं आएगा। नाउ डी, ये हार्ट शेप है या लीव शेप है, तब क्या करोगे उसका? वो थोड़ा उल्टा हो जाएगा, तो ये भी रॉन्ग है। अब फोर का रिफ्लेक्शन पार्ट क्या है? सही है, तो हमें टिक करना है ई पे। फिर हमें फाइव, नो, सिक्स, नो, एच, यस, मतलब जो एफ है उसमें भी नहीं, जी में भी नहीं, एच है उसमें हाँ, उसका रिफ्लेक्शन पार्ट मिला। फिर आई में भी हमें रिफ्लेक्शन पार्ट मिला, जे में भी हमें रिफ्लेक्शन पार्ट मिला, के में भी हमें रिफ्लेक्शन पार्ट मिला, फिर टू में हमें रिफ्लेक्शन पार्ट नहीं मिला। नाउ क्वेश्चन टू, सर्कल द न्यूमरल्स दैट आर सिलेंड्रिकल, दैट आर सिमेट्रिकल, ड्रॉ द लाइन और लाइन्स ऑफ सिमेट्री थ्रू देम। अभी वन का हम सिमेट्री पार्ट करेंगे तो होगा? नहीं। टू का सिमेट्री पार्ट होगा? नहीं।
थ्री का होगा, हाँ, क्योंकि थ्री का देखो हम अगर ऐसे हम करने जाए तो थ्री का रिफ्लेक्शन हमें सामने मिलता है, तो वो सिमेंट्री है, तो हमें थ्री पे सर्कल करना है। फिर हम फोर का सिमेंट्रिकल शेप हमें मिलेगा, नहीं, फाइव का नहीं, सिक्स का नहीं, सेवन का नो। अब एट में हम सिमेंट्री लाइन हमने बीच में ड्रॉ की है, तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो सेम ही होगा, तो हमें एट में भी सर्कल करना है। अब हम नाइन देखेंगे तो नाइन में भी सर्कल नहीं होगा, और ज़ीरो, तो हाँ ज़ीरो का रिफ्लेक्शन पैट वही है, तो हमें ज़ीरो पे भी सर्कल करना है। नाउ ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड पार्ट टू मेक अ सिमेट्रिकल इमेज। यहाँ पे हमें ये पार्ट दिया है, ये पार्ट हमें करना है, तो आपको क्या करना है, एक मिरर लेना है और उसके सामने बैठकर आपको ये ड्रॉ करना है। तब मुझे तो ऐसा रिफ्लेक्शन पार्ट मिला। यहाँ पे भी देखो उसका ये रिफ्लेक्शन पार्ट ये सेम है, और ये जो स्क्वायर है वो आधा है, तो हमें उसका फिनिश करने के लिए हमें रिफ्लेक्शन पार्ट क्या मिला, ये वाला। सो इट इज़ अ वेरी सिंपल चैप्टर, सो प्लीज़ सी इट केयरफुली। ओके, नाउ जज़ाकअल्लाह चिल्ड्रेन। अब हम एक्सरसाइज 4-9D है वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। सो जज़ाकअल्लाहु खैरन चिल्ड्रेन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।